भाई ये रात में होना चाहिए जो ये एलिवेटेड का काम हो रहा है, ये गार्डर रखने का। अगर ये रात में हो तो व्यापार पर ख़राब नहीं हो, व्यापारी को परेशानी भी नहीं हो, या फिर सुबह के टाइम हो कि 5 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे बाद मार्केट खोल दें। अभी तो हम बैठे हैं और नहीं बैठे हैं, हम उसके बराबर हैं। दुकानें भी खुल ली हैं तो आने दुकानें जाने खोलने पर का कोई मतलब ही नहीं। दुकान खोलने का जब मतलब हो, जब चारों तरफ से रास्ते बंद, कोई मतलब नहीं है। अगर रास्ते खुले होते, एक तरफ का भी रास्ता खुला होता तो कम से कम ग्राहक तो आता। अभी बंद चल रहे थे दोनों तरफ से, अभी चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, फिर भी पैदल चलने वाले निकल रहे हैं। अगर कोई सीट पर कोई हादसा हो जाए तो हाँ, वो भी कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये प्रशासन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है क्या इस चीज की? अगर रात को करे तो क्या फायदा है? रात को करने में ये फायदा है कि व्यापार भी खराब नहीं होगा, व्यापारियों को भी परेशानी नहीं होगी, हमारे दुकान खोलने का मतलब भी निकलेगा कुछ, पब्लिक भी नहीं होगी। और अभी तो पब्लिक निकल रही है बराबर, स्टेशन जाने वाले भी इधर से ही जा रहे हैं, पैदल जाने वाले। तो नाम बताइए। मेरा नाम अंकुर गुप्ता, स्टेशन रोड व्यापारी। सर हम तो देखो आज संडे है, मेरा पास में ब्यूटी पार्लर है कोलेटा सैलून के नाम से। मैं सुबह 8 बजे आ गया तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, अखबार में भी मैंने देखा तो क्या आज पूरा ब्लॉक लिया है हमने यहाँ पे, तो पूरा व्यापार ठप है। संडे के दिन तो आप जानते हो, पार्लर हो चाहे अपने बार्बर शॉप हो, छोटी मोटी दुकान, संडे के दिन हमारा मेन रहता है क्योंकि ऑफिस स्कूलों सबकी छुट्टियाँ रहती हैं। अभी कोविड की वजह से वैसे ही काम धंधे बंद है, आए दिन बंद कर रहे हैं और काम भी कछुए की चाल से चल रहा है इनका काम, कोई प्रोग्रेस नहीं है। कभी कहते हैं ठेकेदार चेंज हो रहा है, कभी कहते हैं हमारी लेबर भाग गई है, ये पेमेंट नहीं देते हैं। हमने कलेक्टर से भी जाके मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाई ये काम द्रुतगामी होना चाहिए और ज़्यादातर नाइट में होना चाहिए ताकि व्यापार पर इसका असर ना पड़े। कोविड की वजह से व्यापार में वैसे ही व्यापार धंधे बहुत ही वैसे चल रहे हैं, और हमारी तो चलो घर की दुकान है, यहाँ कई दुकानें बंद हो चुकी हैं मोबाइल की भी, क्योंकि धंधा बिल्कुल नहीं है, अब आदमी किराया कहाँ से निकाले, बहुत ही बुरी स्थिति है। और ये रोड पे हमने कह के अभी हफ्ते भर पहले ये रोड हमने वापस से बनवाया, पर ऐसा टेम्परेली बनाते, एक बारिश में क्या देख लो आप, क्या गड्ढे हो रहे हैं पूरे रोड की हालत बेहतर है, गाड़ियों में आए दिन एक्सीडेंट होता है, जाम लगेगा। और आज एग्ज़ाम भी है बच्चों का, अभी 1 बजे से देखना आप 4 बजे क्या पोजीशन होती है इस रोड की, बच्चे ही परेशान हो रहे हैं बेचारे खूब जाम पे लगे दोनों।